अगर आपको रात को बार बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए और इससे आपकी नींद खराब हो जाती है, या अब ये इतने समय से चल रहा है कि आपको अब इसकी आदत ही हो गई है, तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ये होता क्यों है और इसका अच्छा इलाज क्या है जो आप स्वयं कर सकते हैं। ये इलाज मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ शेयर किया है और बहुत लोगों को इससे आराम मिला है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप भी उसको ट्राई करेंगे और इससे आपको आराम मिल सकता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा असर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्यों है। ये रात को नींद से उठकर यूरिन पास आउट करना, इसको नक्चुरिया कहते हैं। अब ये होता क्यों है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि आपने रात को बहुत ज़्यादा पानी पिया है। अगर आपने रात को बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो आपका शरीर उसको फिल्टर करेगा और फिर फिल्टर करके जो ज़रूरत नहीं है उसको बाहर निकालेगा, और इसीलिए आपको रात को उठना पड़ सकता है। ये सबसे नॉर्मल एक जेन्युइन कारण है कि हाँ ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल कारण है। दूसरा कारण है, जो आपका कंट्रोल है आपके ब्लैडर पे वो अच्छा नहीं है। आपका ब्लैडर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हो, तो थोड़ा भी अगर वहाँ पर यूरिन आ जाता है ब्लैडर में, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन आ गया तो आपकी ब्रेन को सेंसेशन जाएगी, अरे यार उठ के जो है जाना है, इसको बाहर निकालना है। या आपका कंट्रोल ही नहीं है, दिमाग से ब्लैडर का अच्छा कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये हो सकता है। तीसरा इसका कारण होता है दवाइयाँ। जी हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं उनसे भी ऐसा हो सकता है, स्पेशली जो आपके हार्ट की, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, जो डायूरेटिक्स होती हैं, और भी दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिनसे आपको बार बार रात को उठना पड़ सकता है यूरिन पास आउट करने के लिए। अगर आपने कोई नई दवाई शुरू की है उसके बाद से आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स आने लगे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, उसको बताइए कि ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है वो आपको उस दवाई को चेंज करके कोई दूसरी दवाई ऑल्टरनेटिव में दे। अगला इसका कारण है कोई अंडरलाइन मेडिकल कॉज, मतलब कि कोई बीमारी है जिसका एक ये सिम्टम है, जैसे प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट में भी ऐसा होता है, अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका, उसकी वजह से मर्दों में ये होता है। अगर किसी को हार्ट का इशू है यानी हृदय का कोई विकार है उसमें ये होता है, या फिर डायबिटीज। डायबिटीज ही एक बड़ा कारण होता है कि आपका जो कंट्रोल है ब्लैडर पर वो कम हो जाता है, जिसकी हमने बात की थी पहले। तो डायबिटीज़ बहुत बुरी तरह से हमारी पूरी बॉडी पर इफेक्ट करती है, तो डायबिटीज़ का एक इफेक्ट ये भी है कि आपको रात को यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। और क्या होता है, आपके बॉडी में ज़्यादा ब्लड शुगर है तो बॉडी चाहती है इसको बाहर निकालना, तो कोशिश करती है यूरिन के थ्रू बार बार इसको बाहर निकालने। और साथ में जो हाई ब्लड शुगर है वो आपकी जो ब्लैडर है, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसको भी कमज़ोर कर देता है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल इतना अच्छा रहता नहीं है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सबसे सबसे इफेक्टिव, सबसे हेविली इफेक्टिव जो इसका ट्रीटमेंट है वो है, सोने से 4 से 5 घंटे पहले ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। कोशिश करिए, पहली बार कर रहे हैं तो 4 घंटे का एम करके लीजिए। धीरे धीरे, हो सकता है शुरू में आपको परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, जीवन भर आपको बहुत आराम मिलने वाला है अगर आपने सोने से 4 से 5 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दिया तो। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगी, इससे आपको सुबह बहुत हल्का महसूस होने वाला है, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ ऐसा करने से। कोशिश करिए जितना हो सकता है, आगे आपके लिए ये एक आदत हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा। तो शुरू में हार्ड रहेगा, आगे जाके बहुत ईजी हो जाएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए असर आया या नहीं आया। मुझे विश्वास है मैक्सिमम लोगों को इससे असर आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, विटामिन D3। विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन D3 आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको शुगर की परेशानी ना हो, आपका ब्लैडर अच्छी तरह से फंक्शन करे, आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करे, विटामिन D3 ज़रूर चेक कराइए। अगर कम है तो ज़रूर उसको नॉर्मलाइज करिए, और आपको इसको रेगुलर लेना है। या तो आप डेली सूरज की किरणों में बैठेंगे 1 से 1.5 घंटा, उससे आपकी बॉडी बना सकती है, फिर भी आपको चेक करना होगा कि बना रही है या नहीं बना रही। 1-1.5 महीने बैठिए, उसके बाद चेक करिए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा होगा तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा इसका। हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है विटामिन D3 की गोलियाँ, किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए।
ध्यान रखिएगा विटामिन D3 फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, तो खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद इसको लेना होता है, हफ्ते में एक गोली लेनी होती है। दूसरी चीज़ जो आपकी हेल्प करेगी वो है गोक्षुरादि गुग्गुल, आयुर्वेदिक दवाई है, बहुत अच्छा हेल्प करती है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, खाली पेट लेना है गुनगुने पानी के साथ। दूसरी जो आयुर्वेदिक दवाई आपकी हेल्प कर सकती है वो है चंद्र प्रभा वटी, ये भी 1 से 2 गोली सुबह शाम खाली पेट, गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभा वटी दोनों एक साथ आप ले सकते हैं। इसको लीजिए 1 से 2 महीने तक, खान पान जो मैंने आपको बताया वैसे आपको करना है, ज़रूर ट्राई करिए, समय पर खाइए, अच्छी हेल्थ हैबिट्स बनाइए, डेली 8 से 10 हज़ार स्टेप्स चलिए, दिन भर एक्टिव रहिए, आपका जीवन और बढ़िया, आनंदित और स्वस्थ हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ अभी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ और हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी में आगे ये वीडियोस बनाता रहूं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी ये जानकारी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।